सिल्वर स्क्रीन पर बाहुबली बनकर छाने वाले सुपरस्टार प्रभास राजू ने अपनी अगली फिल्म का ऐलान किया है। जिसे डायरेक्ट करेंगे तान्हाजी जैसी ऐतिहासिक और मास्टरपीस फिल्म बनाने वाले ओम राउत और प्रोड्यूस करेंगे टी सीरीज के भूषण कुमार। बता दें कि प्रभास ने अपने इंस्टाग्राम में इस फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया है। फिल्म का नाम है आदि पुरुष, जो एक 3D एक्शन ड्रामा होगी। इसे हिंदी, तेलुगु, तमिल, मलयालम और कन्नड़ में 2022 में रिलीज किया जाएगा। हिंदी में इस फिल्म के गीत और संवाद लिखेंगे मनोज मुंतशिर, जिन्होंने बाहुबली के दोनों पार्ट में यादगार गीत और संवाद लिखे थे। फिल्म की असल में कहानी क्या है और किरदार कौन कौन होंगे, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है, मगर पोस्टर के फर्स्ट लुक को देखकर यह लग रहा है कि यह फिल्म हमारी संस्कृति और पौराणिक कथाओं के इर्द गिर्द घूमेगी और फिल्म ग्रैंड होगी। गौरतलब है कि सोमवार रात को प्रभास ने अपनी इस फिल्म का हिंट एक इंस्टा वीडियो के जरिए दिया था और अपने फैंस को कहा था कि क्या आप कल सुबह 7:11 के लिए तैयार हैं। बता दें कि प्रभास की अपकमिंग फिल्म रोमांटिक ड्रामा राधे श्याम है, जिसमें उनके साथ हैं पूजा हेगड़े। लेकिन इस फिल्म के रिलीज पर सस्पेंस बरकरार है। चकाचक एक्सप्रेस से आदर्श की रिपोर्ट।